महाभारत में विदुर ने कई नीतियों के बारे में बताया है। वे नीतियाँ ना सिर्फ उस समय में उपयोगी थीं, बल्कि आज भी बहुत महत्व रखती हैं। अगर उन नीतियों का ध्यान रखा जाए तो मनुष्य किसी भी परेशानी का हल आसानी से पा सकता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से मनुष्य की आयु कम होने का कारण पूछते हैं। तब विदुर मनुष्य की आयु कम करने वाले 6 दोषों के बारे में धृतराष्ट्र को बताते हैं। महाभारत के अनुसार यमराज ने ही श्राप के कारण मनुष्य बनकर विदुर के रूप में जन्म लिया था। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को मनुष्यों की उम्र कम होने के 6 दोष के बारे में बताया है। महात्मा विदुर द्वारा कहे गए वो 6 कारण के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। पहला है अभिमान यानी घमंड करने वाले लोग। जो ऊंचे पद वाले, अपनी प्रशंसा सुनने वाले, स्वयं को बलवान समझने वाले तथा स्वयं को बुद्धिमान, त्यागी, महात्मा मानने वाले लोग अभिमान का शिकार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में यह दोष आ जाता है वह दूसरे लोगों को अपने से निचले स्तर का मानने लगता है और अवसर आने पर उसका अपमान करने से भी नहीं चूकता है। घमंड करने वाले के भी कई शत्रु भी हो जाते हैं। अंत में घमंड ही उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। दूसरा कारण है अधिक बोलने वाले व्यक्ति। जो व्यक्ति अधिक बोलता है तथा व्यर्थ की बातें करता है वह सत्य का पूरी तरह से पालन नहीं करता है और ऐसी बातें भी कर बैठता है जिनका परिणाम बुरा होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानों को प्रिय नहीं होता और दूसरों पर उसकी बातों का प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। इसलिए अधिक शब्दों का प्रयोग ना करके वाणी को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि अनसंयमित वाणी से भी आयु कम होती है। तीसरा कारण है क्रोध करने वाला व्यक्ति। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोधी होने पर मनुष्य उस समय किए गए अपने कर्मों के परिणाम को भूल जाता है, जिससे उसका पतन होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार शरीर अंत से पूर्व जिसने क्रोध को पूरी तरह से जीत लिया वह मनुष्य इस लोक में योगी और सुखी है। क्रोध को नरक का द्वार भी कहा गया है, जिसका अर्थ है क्रोधी मनुष्य को नरक में जाने के लिए अन्य मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्रोध अकेला ही उसे नरक में ले जाता है। क्रोध के दुष्परिणामों से भी आयु कम होती है। चौथा कारण है त्याग का अभाव। त्याग का भाव होने के कारण ही रावण, दुर्योधन आदि का पतन हुआ था। सांसारिक सुख मनुष्य की आयु को काटते हैं और उनका त्याग आयु में वृद्धि करता है। मनुष्य को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम इस संसार में कुछ लेने नहीं बल्कि दूसरों को सुख देने के लिए आए हैं। जिन लोगों के मन में त्याग की भावना नहीं होती है उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। पाँचवा कारण है स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थ यानी लालच ही अधर्म का मूल कारण है। दुनिया में होने वाले अनेक युद्धों का कारण स्वार्थ ही है। स्वार्थी मनुष्य अपना काम साधने के लिए बड़े से बड़ा पाप करने में भी शर्म का अनुभव नहीं करते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो स्वार्थ के कारण ही आज पूरी दुनिया में पाप कर्म बढ़ रहे हैं और चारों ओर अशांति छाई हुई है। जिसके मन में स्वार्थ होता है उसकी आयु कम हो जाती है। छठा कारण है मित्रद्रोही। मित्रद्रोही यानी अपने मित्र को धोखा देने वाले पुरुष। अपने मित्र को धोखा देने वाले पुरुषों को शास्त्रों में अधम कहा गया है। मनुष्य जीवन में मित्रों का बहुत महत्व होता है। मित्रता से एक नई शक्ति का निर्माण होता है जिससे शत्रुओं को भी भय होता है। पतन की ओर जाते हुए कई पुरुषों का उत्थान मित्रों ने ही किया है। मित्रद्रोही मनुष्य का जीवन नरक के समान होता है। मित्रद्रोही नामक दोष से बचने के लिए त्याग और दूसरों का हित करना परम आवश्यक है। महात्मा विदुर जी ने आयु काटने वाले ये 6 दोषों के बारे में बताया है। ये सभी प्रायः एक दूसरे पर ही निर्भर हैं, इसलिए इन दोषों से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।